भाई आज से कुछ दिन पहले ना मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि भाई आप एक चाइनीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और भाई आप वहां से शॉर्ट क्लिप लेकर और आप वीडियो बनाकर और आप यूट्यूब पर चैनल बनाकर और आप अपने उस चैनल पर आप भाई वीडियो को अपलोड करके और भाई आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हो, यानी अपने शॉर्ट चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हो। मैंने ये उस वीडियो में बताया था। तो भाई बहुत सारे भाई का जो है ना कि भाई मेरे को भर भर के कमेंट मिला, बहुत सारे भाई जो है ना मेरे से प्यार वाले भाई लफ्ज में जो है ना बात किए और बहुत सारे भाई जो है ना भाई मेरे को मतलब गाली भी दिए कि भाई मतलब इस तरह से नहीं होता भाई, ये ऐप जो है ना डाउनलोड नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, ये फ्रॉड जैसा जो है ना भाई इस तरह। तो भाई मैं उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि भाई ना वो ऐप फ्रॉड है ना वो वीडियो फ्रॉड था। भाई देखो आपके फोन के अंदर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था तो भाई ये जो है ना कि मेरा गलती नहीं है, वो गलती आप लोगों का है। और वो क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा था ना, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने आपको उस ऐप का लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था और आप लोगों को मैंने बोला था कि भाई आप उस ऐप को डाउनलोड करो और आप लोगों में से बहुत सारे भाई ने आप लोगों में से डाउनलोड किया भी लेकिन उनके फोन में वो वर्किंग नहीं कर रहा था। तो भाई सब्र रखो, आज के इस वीडियो को फुल्ली देख लो भाई, वो ऐप आपके फोन के अंदर इंस्टॉल भी होगा और भाई आप यूट्यूब पर चैनल बना भी लोगे और भाई आप लोग उससे ऐप से वीडियो को डाउनलोड करके उसमें आपको अपना आवाज डाल देना है और आवाज डालकर क्या करना है भाई, आपको उस चैनल पर अपलोड कर देना है। जैसे कि आप सबको पता ही है भाई कि अब आपका शॉर्ट चैनल भी जो है मोनेटाइज हो रहे हैं, तो आपको यही सब जानने के लिए ना वीडियो को पूरे एंड तक देखना होगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना होगा। और एक क्वेश्चन बहुत सारे भाई को जो है ना मेरे से बार बार पूछा जा रहा था कि मेरे भाई मैंने उसमें अपना वॉइस ओवर भी किया भाई, फिर भी मेरे वीडियो पर जो है ना कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। तो भाई वीडियो को ध्यान से देखना, सारा प्रॉब्लम इस वीडियो के देखने के बाद में आपका सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या भाई चाइनीज ऐप को जो ऐप जो है उसको हम यूज करके क्या हम वहां से वीडियो लेकर यूट्यूब पर चैनल बनाकर वहीं से वीडियो हम लेकर उसमें अपना वॉइस डालकर या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी करके क्या हम उस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो भाई डेफिनेटली आप कर सकते हो और मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकल कोचिंग जो है भाई वो भी वहीं से वीडियो लेके जो है भाई वो क्या करते हैं, वो अपने चैनल पे सॉफ्ट चैनल पे अपलोड करते हैं। मिस्टर प्रधान नाम का एक चैनल है भाई, वो भी जो है ना कि वो जो सिड्डू ऐसे कुछ करके पता नहीं चाइनीज है भाई, उसका मैं लिंक आपको मैं दे दूंगा और कैसे डाउनलोड करना है भी बता दूंगा, ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं ना वहीं से वीडियो लेकर भाई और वो लोग भी मतलब अपने वीडियो में आवाज डालकर और अपने शॉर्ट चैनल पर अपलोड करते हैं और अब जाकर देखना भाई मिलियंस में व्यूज आए हुए हैं, करोड़ों में व्यूज आए हुए हैं उनके वीडियो पे। तो आखिर अब आप लोगों को क्या करना है, कैसे, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर उसको डाउनलोड करना है। तो देखो अभी के फोन में भाई क्या हो रहा है ना कि फोन अपग्रेड हो रहे हैं, तो भाई क्या हो रहा है ना कि 12 किसी के जो वेरियंट है ना फोन का या फिर उनके अंदर जो है ना कि 13 जो है ना आ रहा है, किसी के अंदर 14 जो है ना वेरियंट आ गया है भाई, ठीक है, अपडेट होने के बाद में। तो अब होता क्या है ना कि अगर आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर गूगल प्ले स्टोर की बात नहीं करेंगे, अगर आप गूगल से आप अगर कोई भी मोड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और भाई आप उसको यूज कर रहे हो ना भाई, तो वो सिंपली क्या हो रहा है ना कि अभी को जो लेटेस्ट फोन आया ना उसके अंदर आप उस ऐप को इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो भाई इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको उस ऐप का नाम आपको लिखना होगा, उसके बाद में आपका जो फोन का मॉडल है ना, फोन के नाम और मॉडल आपको लिख के क्या करना होगा, सर्च करना होगा। और सर्च करने के बाद में सिंपली क्या करना है ना कि आपको बहुत सारे आपको वेबसाइट देखेंगे, उसमें से आपको एक एक को क्या करना है कि आपको मतलब देखना है, ठीक है ना, ट्राई करना है कौन आपके फोन के अंदर जो है चल जाए वेरिएंट के अनुसार। अबाउट सेक्शन में जाकर देखना भाई आपके फोन का वेरिएंट जो है आपको दिख जाएंगे, बहुत ही गर्मी लग रहा है भाई, ठीक है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। और भाई अगर आपसे नहीं हो रहा है ना तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं आपको डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का भी मेरा लिंक रहेगा, तो भाई वहां पर जाना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां पर भाई मैं अभी मैं वहां पर रिसर्च मैं करके रखा हूं, मैं उस लिंक को डाल देता हूं। आप लोग सिंपली क्या करना है कि आप उस लिंक से मतलब उस लिंक पर टाइप करना और भाई सिंपली आप एक अच्छा खासा जो है ना मतलब समझ रहे हो ना भाई मोड आप ऐप को यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, स्ट्राइक आ जाएंगे मेरे वीडियो पे, तो आप यूज कर सकते हो वहाँ से आप वीडियो ले मतलब वहाँ से आप उस ऐप को डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करके। अगर डाउनलोड नहीं होता है ना तो मैंने जो आपको बोला है कि आपको अपने फोन का जो वेरिएंट है उसको आपको लिखना है, फिर आपको उस ऐप का नाम को लिखना है और सिंपली सर्च कर लेना है, आपको मिल जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना। वेरिएंट आपको कहाँ से मिलेंगे, आपका फोन का अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि आपका जो वैसे जो वर्जन है उसको कैसे लिखा रहा होता है, तो आपका कौन सा है, 12 है, 10 है या फिर 11 है या फिर ऐसे कुछ करके
जो है 13 है, ठीक है, तो भाई आपको वहां से ले लेना है। अब मैं बताता हूँ भाई कि बहुत सारे भाई का एक शिकायत है कि भाई उनके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम भी आ रहे हैं, और भाई इधर जो है ना अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है मेरे को, क्योंकि अभी मैं रूम में हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब जो है ना ये आप लोग ये करना। तो मेरे भाई कॉपीराइट जो क्लेम का जो फंडा है ना भाई, देखो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको उनके ओरिजिनल आवाज को म्यूट करके आपको उसमें अपना वॉइस ओवर कर देना है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना होगा ना, मैं तो आपको सिर्फ जरिया बतला रहा हूँ ना, लेकिन आपको ही काम करना होगा। तो आपको अपना वॉइस ओवर करना है, और भाई साउंड इफेक्ट भी अगर आपको चाहिए ना, तो भाई आप इस वीडियो को नीचे मेरे को कमेंट करना, मैं बता दूंगा कि आपको किस तरह से साउंड इफेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको भाई अर्जेंटली चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, वहाँ पे मेरे को कमेंट करना, मैं वहाँ पे बिना कॉपीराइट वाला साउंड इफेक्ट मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा, आप सिंपली उसको यूज कर सकते हो भाई, आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आएंगे। तो भाई आई होप आप लोग अब जाकर ट्राई कीजिएगा, और भाई आपका जो प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और भाई अगर सॉल्व नहीं होता है ना भाई, तो आप मेरे से कभी बात जरूर से कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, या फिर मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं जरूर मैं क्विकली रिस्पॉन्स दे दूंगा, ठीक है। और भाई थोड़ा बहुत दिमाग अपने भी लगाया करो ना भाई, थोड़ा सा लगाया करो, ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। तो आई होप भाई ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो ना भाई, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना।